हेलो दोस्तों, आज हम दो ट्रैक्टरों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। स्वराज 742 XT ट्रैक्टर और दूसरा ट्रैक्टर है महिंद्रा 475 DI XP प्लस। इस वीडियो के अंदर इन दोनों ही ट्रैक्टर के बीच में कंपैरिजन करना हमने इसलिए उचित समझा क्योंकि हमारे किसान भाई ट्रैक्टर खरीदने से पहले दोनों ट्रैक्टर के बीच में तुलना जान लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। तो शुरू करते हैं इंजन से। सिलेंडर की बात करें तो स्वराज के अंदर 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और महिंद्रा के अंदर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। HP कैटेगरी की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर 44 HP कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैपेसिटी CC की बात करें तो स्वराज के अंदर 3136 CC का इंजन मिलता है और वहीं पर महिंद्रा के अंदर 2979 CC का इंजन मिलता है। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 2000 RPM मिलते हैं। एयर फिल्टर की बात करें तो स्वराज के अंदर 3-स्टेज वेट टाइप क्लीनर मिलता है और महिंद्रा के अंदर 3-स्टेज ऑयल बाथ टाइप विद प्री क्लीनर मिलता है। PTO HP की बात करें तो स्वराज के अंदर 38 HP PTO पावर मिलेगी और महिंद्रा के अंदर 39 HP PTO पावर मिलेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन टाइप स्वराज के अंदर कॉम्बिनेशन मिलता है कॉन्स्टेंट मैस और सिलेंडिंग मैस का और वहीं पर महिंद्रा के अंदर ट्रांसमिशन कॉन्स्टेंट मैस मिलेगा। क्लिच की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर सिंगल क्लिच और डुअल क्लिच का ऑप्शन मिलेगा। गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 8 गियर फॉरवर्ड और 2 गियर रिवर्स मिलते हैं। बात करते हैं फॉरवर्ड स्पीड की तो स्वराज के अंदर 29.21 किलोमीटर पर घंटे की फॉरवर्ड यानी आगे दौड़ने की स्पीड मिलती है और महिंद्रा के अंदर 29.9 किलोमीटर पर घंटे की फॉरवर्ड यानी आगे दौड़ने की स्पीड मिलती है। रिवर्स स्पीड की बात करें स्वराज के अंदर 11.29 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड मिलती है और महिंद्रा के अंदर 11.9 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड मिलती है। ब्रेक्स की बात करें तो स्वराज के अंदर ऑयल आर्मरेस्ट ब्रेक मिलेंगे और महिंद्रा के अंदर भी ऑयल आर्मरेस्ट ब्रेक मिलेंगे यानी दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर सेम ब्रेक मिलते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो स्वराज के अंदर पावर स्टेयरिंग मिलेगा और महिंद्रा के अंदर मैकेनिकल स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग का ऑप्शनल है यानी कि 2 ऑप्शन मिलते हैं, इसको किसान अपनी आवश्यकता अनुसार चूज कर सकते हैं। पावर टेक ऑफ की बात करें तो स्वराज के अंदर RPM 540 पावर जनरेट करता है 1650 ERPM पर। मल्टी स्पीड फॉरवर्ड और रिवर्स PTO भी मिलती है। बात करते हैं महिंद्रा की तो पावर टेक ऑफ टाइप 6 स्प्लाइन RPM 540 पावर जनरेट करता है 1890 इंजन RPM पर। डिमेंशन और वेट की बात करें तो स्वराज के अंदर टोटल वेट 2020 kg यानी 20 क्विंटल 20 किलो है और वहीं पर महिंद्रा के अंदर 1825 kg यानी 18 क्विंटल 25 किलो है। व्हील बेस की बात करें स्वराज के अंदर 2108 mm के व्हील बेस मिलते हैं और महिंद्रा के अंदर 1960 mm के व्हील बेस मिलेंगे। बात करें हाइड्रोलिक की तो लिफ्टिंग कैपेसिटी स्वराज के अंदर 1700 kg यानी 17 क्विंटल की है और वहीं पर महिंद्रा के अंदर 1500 kg यानी 15 क्विंटल की है, तो लिफ्टिंग कैपेसिटी के अंदर 2000 kg का डिफरेंस देखने को मिलता है। व्हील और टायर की बात करें, व्हील ड्राइव दोनों ही ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव के अंदर आपको मिलेंगे। बात करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की तो दोनों ही ट्रैक्टर के अंदर 616 के फ्रंट टायर मिलते हैं। रियर टायर की बात करें तो स्वराज के अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, 13628 और दूसरा ऑप्शन 14928 का। महिंद्रा के अंदर एक ही ऑप्शन मिलता है 13628 का। बात करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टर की वारंटी की तो स्वराज की वारंटी 2 वर्ष की मिलती है और वहीं पर महिंद्रा की वारंटी 6 वर्ष की मिलती है, तो वारंटी के अंदर दोनों ही ट्रैक्टर में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं इन दोनों ही ट्रैक्टर के प्राइस की जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वराज के प्राइस 610,000 रुपए से लेकर 650,000 रुपए के लगभग देखने को मिलेंगे और वहीं पर महिंद्रा के प्राइस 570,000 रुपए से लेकर 600,000 रुपए के लगभग फीचर्स के अनुसार देखने को मिलेंगे। इन दोनों ही ट्रैक्टर के कंपैरिजन में आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों में कितना कितना अंतर आपको इस वीडियो में देखने को मिला। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों।